हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। एज पेरेंट्स, हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, और इस ग्रोथ को जानने का बेस्ट वे है बेबी के ग्रोथ चार्ट को रेफर करना, और ना कि अगर आपके किसी नोन में ऑलमोस्ट सेम एज की बेबी है तो उससे कंपेयर करना, बिकॉज हर बेबी की जर्नी अलग होती है। हर बेबी अपने पेस में डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, कुछ माइलस्टोन्स वो स्किप भी कर देते हैं, एंड इट्स ऑल नॉर्मल। तो आज इस वीडियो में मैं इन जनरल आपको ये बताऊंगी कि डॉक्टर्स बेबी की ग्रोथ कैसे मॉनिटर करते हैं, और इन जनरल बेबीज किस एज में कितना ग्रो करते हैं, उनकी हाइट कितनी बढ़ती है, उनका वेट कितना बढ़ता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट कितना होता है, और एंड में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपको दूंगी बेबी के ग्रोथ से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर वैक्सीनेशन, या फिर अगर बेबी की तबीयत ख़राब है, या फिर यूं ही जनरल चेकअप के लिए, तो आपके डॉक्टर आपके बेबी का हेड सरकमफेरेंस, दैट इज़ यहाँ से पूरा राउंड यहाँ तक, उसकी हाइट और उसका वेट मेजर करते हैं। इन्हीं तीन पैरामीटर्स को जब डॉक्टर रिकॉर्ड करते हैं हर विजिट में, तो उसे हम बेबीज ग्रोथ चार्ट बोलते हैं। और ये ग्रोथ चार्ट ये बताता है कि सेम एज और जेंडर के कितने बेबीज आपके बेबी के लेंथ, वेट और ब्रेन डेवलपमेंट में ज़्यादा या कम है। ये ग्रोथ चार्ट की शीट आपके बेबी के हॉस्पिटल फाइल में लगी होती है, और आप अपने डॉक्टर से कभी भी इसे एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं फॉर योर जनरल नॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एवरी मंथ अपने बेबी को मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ग्रोथ वाइज आपका बेबी कितने परसेंटाइल में है। इतनी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम इन जनरल आपको इससे अवेयर रहना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप जब भी डॉक्टर को विजिट करके आएँ आपको एक आइडिया रहे कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है। बिकॉज इन जनरल आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने बेबी के साथ, फीड करते हैं, आपको पता रहना चाहिए कि आपका बेबी कहाँ स्टैंड कर रहा है ग्रोथ स्केल में। तो चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जब बेबी का बर्थ होता है तो शुरू में उनके बर्थ वेट का 7-8% वेट लॉस होता है, और फिर स्टार्टिंग से 15 डेज के अंदर ही उनका बर्थ वेट जितना ही वेट हो जाता है। कुछ नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज ये वेट लॉस और वेट गेन सभी न्यूबॉर्न बेबीज़ में एक्सपेक्टेड होता है। इसके बाद एक्चुअली में बेबी का वेट गेन होना शुरू होता है। अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है तो उनका वेट 100 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स पर वीक होता है, और अगर आप उन्हें फॉर्मूला फीड दे रहे हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा वेट गेन होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी कहे कि आपके बेबी का वेट तो कम लग रहा है, मेरी बेबी का वेट तो इस टाइम तक इतना था, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज फार एज आपको पता है कि आप अपने बेबी को अच्छे से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीड करवा रहे हैं। अब आपका बेबी अप्रॉक्सीमेटली इसी रेट से बढ़ता है, और जब वो 5 मंथ्स का हो जाता है तब वो अपने बर्थ वेट के अराउंड डबल वेट का हो जाता है। जैसे कि मेरी बेबी 3.5 किलो की हुई थी, तो 5 मंथ्स के एंड में उसका वेट 7 kg के अराउंड होना चाहिए। अगेन, इट्स अ रिमाइंडर कि कभी कभी ये नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जैसे कि मेरी बेबी का वेट 4 मंथ्स में 7 kg का हो जाए, या फिर 5.5 महीने में डबल, तो बोथ आर वेरी नॉर्मल। ये एक जनरल गाइडलाइन है फॉर रेफरेंस कि 5 मंथ्स में आपके बेबी का वेट बर्थ वेट से अप्रॉक्स डबल होना चाहिए।
अब मे भी आपको ये लगे कि फर्स्ट 5 मंथ्स में वेट डबल हुआ, तो एक साल में 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली एक साल में उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली अपने बर्थ वेट के ट्रिपल होता है। उनका वेट गेन थोड़ा कम हो जाता है 6 to 12 मंथ्स में, बिकॉज इस टाइम पे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड ईयर में उनका वेट गेन रेट और कम हो जाता है, क्योंकि कंपेरेटिवली उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरे साल में सेकेंड ईयर में उनका सिर्फ 3 से 4 kg ही बढ़ता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि 2 ईयर्स में उनका वेट अपने बर्थ वेट से 4 टाइम्स होता है। सिमिलरली 5 ईयर्स में उनका वेट बर्थ वेट के 6 टाइम्स हो जाता है। अगर हाइट की बात करें तो बेबी की बर्थ हाइट से एवरी मंथ उसकी हाइट 2 to 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ती है, तो एक साल होते होते आपकी बेबी की हाइट अराउंड 26 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, और जब बेबी 5 ईयर्स का हो जाता है तो उनकी हाइट ऑलमोस्ट उनके बर्थ हाइट से डबल हो जाता है। सिमिलरली उनका हेड सर्कम्फेरेंस एवरी मंथ बढ़ता है, जिससे ये डिटरमाइन होता है कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट कितना और कैसा हो रहा है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे फास्ट रेट से होता है, तो इस फेज में उनका हेड सर्कम्फेरेंस भी सबसे फास्ट रेट से बढ़ता है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो रेट में बढ़ता है, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में और थोड़ा स्लोअर रेट में बढ़ता है। फर्स्ट 3 ईयर्स में बेबी का ब्रेन ऑलमोस्ट 80% तक डेवलप हो जाता है, और फर्स्ट 5 ईयर्स तक एक एडल्ट के ब्रेन का ऑलमोस्ट 90% तक डेवलप हो जाता है। तो ये हो गई इन जनरल बेबी की हाइट, वेट और हेड सर्कम्फेरेंस किस एज में कितना बढ़ता है, बट प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड कि ये सारा कुछ इन जनरल है, तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, बट एक्चुअल में ये आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर बेबी की फैमिली में मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी सब टॉलर साइड पे है तो बेबी की हाइट कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, बट अगर बेबी के फैमिली में सब थोड़ा कम हाइट में की तरफ है तो कंपेरेटिवली उनकी हाइट थोड़ी कम बढ़ेगी। जैसे मेरे फैमिली में मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं रही पास्ट में, एंड सेम मेरे हस्बैंड के साथ भी है, तो हमारी बेबी भी बहुत ज़्यादा हेवियर साइड पे नहीं है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ हमारे जैसा ही है। दैट डज नॉट मीन कि वो वीक है या उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, डॉक्टर उसके ग्रोथ चार्ट के हिसाब से उसे एकदम हेल्दी कहते हैं। इनफैक्ट वो अभी ऑलरेडी 7 मंथ्स की है और अभी तक टचवुड कभी बीमार नहीं पड़ी, एक्टिव रहती है, अच्छे से 14 आवर्स की स्लीप लेती है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है कि जिसके कारण मुझे टेंशन लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि इस टाइम तक तो मेरा बच्चा बहुत हेल्दी था। तो अगर आपकी बेबी की हाइट, वेट, ब्रेन सर्कम्फेरेंस की रीडिंग थोड़ा इधर उधर हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेबी के बर्थ टाइम के इन रीडिंग्स और जेनेटिक के बेसिस में ये ग्रेजुअली बढ़ते रहना चाहिए। कुछ माइलस्टोन्स कुछ बेबीज़ मिस भी कर देते हैं, जैसे कि कुछ बेबीज़ जल्दी बैठने लगते हैं, तो कुछ बेबीज़ टमी से बैक साइड पे रोल होने वाला माइलस्टोन मिस ही कर देते हैं। बट एज फार एज बेबी का ग्रोथ चार्ट प्रोग्रेस दिखा रहा है, उनका ग्रोथ परसेंटाइल 3% से बिलो नहीं है, 6 मंथ्स तक आप उसे अच्छे से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, और 6 मंथ्स के बाद आप उसे अच्छे से न्यूट्रिशन वाला फूड प्लस रात के टाइम ब्रेस्ट फीड दोनों दे रहे हैं, तो आई थिंक इट शुड बी ऑल गुड। आप ट्राई कीजिए कि सॉलिड फूड को आप अपने बेबी के लिए जनरली दिन के टाइम बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सॉलिड फूड स्टार्ट करने के बाद आपको ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए 8-9 महीने में। आप ट्राई कीजिए कि 1.5 से 2 साल तक आप रात के टाइम पे उसे ब्रेस्ट फीड दीजिए। तो आप अपने बेबी को किसी और बेबी से बिल्कुल भी कंपेयर ना कीजिए, उनके माइलस्टोन्स को कंपेयर करके अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए।
उनकी ग्रोथ और हेल्थ उनके ग्रोथ चार्ट से डॉक्टर अच्छे से मॉनिटर करते हैं, और उन्हें कुछ भी अलार्मिंग लगे तो वो आपको खुद ही नोटिफाई कर देंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में कोई न्यू पेरेंट्स है तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग।